अकेले मैं पप्पू हूँ। ये पबजी वाला है क्या? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? नहीं भैया, सब प्रॉब्लम गो टू द डॉक्टर प्लीज। सिट डाउन, दिस नॉट द वे। आई हैव टू नेम यू प्लीज। अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। टू द ऑफिस एंड आल्सो टू मीडिया, सभापति जी, नॉट टू रिपोर्ट सच अ लूज टॉक एंड अनरूली बिहेवियर प्लीज। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। अब आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो। आलू की फैक्ट्री लगवाओ। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। हाँ है, उसका पता सब चलता है, कल कहां थे और वो भी। ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उन्होंने, उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतने प्यार से इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच लेंगे यार नहीं, पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई, ये आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते नहीं कुछ। हमारे यहां इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। लेकिन आप भी तो ऐसे काम करते हैं ना, आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खड़ों छुए वापस आ गए। वो जो 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 गलती, जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही है। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सिस्टम में, यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहां रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर
अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और आप और मैं हैरान हूं आज सुबह तो मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है उठो उठो उठो। न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंख को है। तेरे पास उधार मांगने नहीं आया, लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं।